आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A आर एस अग्रवाल 2020 के एडिशन से। तो देखो अब क्या बोल रहा है कि इससे पहले के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा दिया है स्टूडेंट्स। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको हर एक वीडियो का आपको पॉलीनोमियल क्लास 10 के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा जहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो देखो जैसे इसमें बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है हुज जीरोज आर 2 एंड -6, जिसका जो जीरोज है वो 2 और -6 दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द कोफिशेंट्स एंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, यानी कि कोफिशेंट एंड जीरोज का जो रिलेशनशिप है वो भी हमें दिखाना है उसको निकालने के बाद। तो आइए करते हैं। तो हमें जीरोज दिया हुआ है 2 एंड -6, तो एक काम करते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं कि 2, देखो फॉर फाइंडिंग हमें मालूम है कि हमें सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कि 2 प्लस -6, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा कि ये आ जाएगा -4 आ जाएगा, तो ये हो गया -4। ठीक है, अब हम लोग पहले ये पहला था, दूसरा हम लोग निकालते हैं क्या कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू यानी कि अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा कि 2 -6 को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12 हो जाएगा, तो ये आ गया -12। चलिए अब हमें मालूम है कि फॉर फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा कि जब सोचो तो कि हमें मालूम है कि f ऑफ x हमारा पॉलीनोमियल का फॉर्मूला होता है कि x स्क्वायर है ना माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस के साथ में x लगाते हैं एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यही होता है हमारा। तो चलिए x स्क्वायर को मैं x स्क्वायर रहने देता हूँ और दूसरा जो है हमारा क्या करते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है -4 आया, तो ये लिख दिया मैंने -4 के साथ में x और प्लस ये कितना है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया हमारा -12, तो ये लिख दिया -12। तो इसको और जब अपन सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि x स्क्वायर -- प्लस, तो प्लस 4x, ओके देन यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कि प्लस माइनस 12। ठीक है, अब हमें बोला था कि रिलेशनशिप भी हमें दिखाना है, तो चलिए अब हम लोग रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। तो पहला रिलेशनशिप हमारा क्या बोलता है कि सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा कि कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होना चाहिए ना डियर स्टूडेंट्स, बस समझ में आ रही है ना। चलिए अब क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा हमें कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा देखो तो सम ऑफ जीरोज ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है -4, ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा -4, बाय में कुछ नहीं तो बाय में 1। ठीक है, चलिए अब वो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलो तो सी -b, तो -b बाई ए, तो क्या देखिए इतना है तो b है जो है हमारा डियर स्टूडेंट यहाँ पे 4 है, तो 4 को अगर मैं यहाँ डालूंगा तो -4, तो -4 बिल्कुल सही है हमारा, है ना, और a हमारा होना चाहिए 1, तो क्या a 1 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है 1 ही है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, हो रहा है। दूसरा रिलेशन हमारा था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या था कि कांस्टेंट टर्म बटा क्या था कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलिए तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया है मेरा -12 आया है ना, तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ -12
इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म को सी से डिनोट करते थे, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए से डिनोट करते थे। तो देखते हैं कि क्या सी माइनस बारह है। बिल्कुल हाँ है, सी माइनस बारह है, यहाँ भी माइनस बारह आया है, बाय में कुछ नहीं तो वन है, तो ए बी जो है हमारा वन है, बिल्कुल है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। यही हमें निकालने के लिए कहा गया था, बताने के लिए कहा गया था। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही ईजी था ये क्वेश्चन हमारा। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे एक्सरसाइज 2A का। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।